से हूँ, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। प्यारी बहनों अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें। आज हम बनाएंगे घिया, रेसिपी लेके आए हैं, बहुत मजे का घिया बनेगा, बहुत मजेदार बनेगा। अब हम आपको दिखाते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। पहले भी हमने घिया बनाया था, वो और तरीके का बनाया था। देखिए एक ही सब्जी हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ठीक हो गया प्यारी बहनों। गौर से देखे, हमारे पास थोड़ी सी है ये सब्ज मिर्चे और एक टमाटर, ठीक हो गया प्यारी बहनों। गौर से देखिएगा, ये हमारे पास है सबसे पहले एक चम्मच हमारे हमने ले लिया पीसे धने का, थोड़ा सा जीरा ले लिया, एक चम्मच हमने रेड मिर्चे ले ली पीसी हुई, एक चम्मच हमने नमक का ले लिया, थोड़ी सी दादर मिर्च ले ली, थोड़ी सी हल्दी ले ली, ठीक हो गया प्यारी बहनों। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास। घी है तकरीबन हमने 2 किलो काट के इसको साफ सुथरा रख लिया, ठीक हो गया प्यारी बहनों। घी हमने इसके अंदर डाला है जितना हमें मुनासिब लगा, ठीक हो गया। अगर आपने ज्यादा बनाना है तो प्यारी बहनों घी थोड़ा सा ज्यादा डाल सकते हैं, हमारा 2 किलो घी है। सबसे पहले हम टमाटर रखेंगे ग्राइंड होने के लिए, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें प्यारी बहनों, इसमें ज्यादा मसाला नहीं डालेगा, ये बहुत मजे कर बनेगा घी। इसमें प्याज नहीं डालेगा प्यारी बहनों, गौर से देखिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, हमारा बहुत सारा प्यार आपके साथ। ये देखें हमने इसके अंदर ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। प्याज इसमें नहीं बनेंगे प्यारी बहनों, ये नहीं कि प्याज नहीं है तो हमारा खाना नहीं बनेगा, नहीं, खाना तो हमने मसालों के साथ बनाना है, प्याज के साथ थोड़ी बनाना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, हमारा बहुत सारा प्यार आपके साथ। प्यारी बहनों गौर से देखा करें खाना किस तरीके से बनता है। ये देखें तकरीबन 1 मिनट में हमारा ये लहसुन हो जाएगा रेड, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें प्यारी बहनों हमारा लहसुन तकरीबन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस थोड़ा सा डाल देंगे। खाना बड़े अच्छे से बनाया करें, खाना बनाए पता चले भी किसी बच्ची ने खाना बनाया या किसी बड़े ने खाना बनाया। अब हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, हम ये डालेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट है, ठीक हो गया प्यारी बहनों। ये हमने डाल दिया इसके अंदर। अब हम मसाले डालेंगे इसके अंदर, आपको दिखाए थे हमने खड़े मसाले नहीं इसके अंदर डालेंगे, सादा ये बनेगा, बहुत मजे का बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा, ठीक हो गया प्यारी बहनों। तकरीबन इसको 1 मिनट लगेगा, हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। ये देखें प्यारी बहनों हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, रेडी हो गया। कितना जबरदस्त हमारा मसाला बना, प्याज के बगैर हमने मसाला बनाया। आप घिया बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। अब हम घिया डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहनों हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, हमारा बहुत सारा प्यार है आपके साथ। अब तो बहुत आसानी हो गई है, यूट्यूब ने हमारे लिए बहुत आसानी कर दी है, ठीक है प्यारी बहनों, शुक्रिया इसका बहुत बहुत। अब देखे जिसको खाना नहीं भी बनाना आता था उसको भी बनाना आता है। देखे प्यारी बहनों कितना जबरदस्त मसाला बना। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन हमारे पास 1 मग है बड़े वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों अब हम इसको बंद करते हैं। ये देखें अब जब इसका वेट बोलेगा तकरीबन 10 मिनट बाद हमारा ये घिया तैयार हो जाएगा, फिर हम मिलते हैं आपके साथ। 10 मिनट हो चुके हैं, हम वेट उठाते हैं, इसकी गैस बिल्कुल निकल चुकी है, ठीक हो गया। देखिए प्यारी बहनों बहुत मजे का बना, बहुत टेस्टी बना, प्याज के बगैर हमने बनाया घिया, आप खाएंगे बहुत मजे का बना, आपको पसंद आएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, हमारा बहुत सारा प्यार आपके साथ। ये देखें प्यारी बहनों घिया हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम आपको बोल में डाल के दिखाते हैं। देखिए प्यारी बहनों हमारा बोल में घिया कितना जबरदस्त लग रहा है, हम मेहमानों के आगे भी रखेंगे तो बहुत मजे का, उनको बहुत पसंद आएगा, टेस्टी बना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेते हैं, वो आपकी पसंद है, हरा धनिया डालना है डाले, नहीं डालना तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक हो गया प्यारी बहनों। ये देखें अगर आपने गर्म मसाला भी डालना है डाल लें, हमने नहीं डाला क्योंकि मेरे बच्चे इतने शौक से नहीं खाते, ठीक हो गया प्यारी बहनों। बहुत मजे का बना है, बहुत टेस्टी बना है। आप भी इसी तरीके का खाना बनाएंगे तो आपके घर वालों को मेहमानों को बहुत पसंद आएगा घिया, ठीक हो गया प्यारी बहनों। कल तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।